यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट निपटते ही निवेश प्रस्तावों को जमीन पर लाने के प्रयास में जुटी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय अफसरों के साथ विशेष बैठक कर सभी विभागों में इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट गठित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, हर एमओयू के लिए नोडल अधिकारी नामित करें और जल्दी उद्यमी मित्रों की हर स्तर पर करें तैनाती। विभागों में गठित यूनिट निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन और निवेशकों से संपाद संपर्क के लिए होगी जिम्मेवार। हर प्रस्ताव की बनाए एक टाइमलाइन। प्रदेश के 75 जनपदों में 33.50 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश के मिले हैं प्रस्ताव। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कल 16 फरवरी से बरेली में 5 दिन के प्रवास पर। गुरुवार रात बरेली पहुंचेंगे संघ के सरसंघचालक और 20 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। महानगर में ढोरा रोड स्थित जीआरएम स्कूल में होगा संघ का प्रमुख प्रणाम। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में उद्बोधन देंगे सरसंघचालक। उनके प्रवास को देखते हुए बरेली में किए जा रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संघ सूत्रों ने बताया कि आरएसएस प्रमुख के प्रवास कार्यक्रम में राष्ट्र एवं सामाजिक चिंतन के साथ शताब्दी वर्ष को लेकर होगा विमर्श। संघ की टीम संभाल रही सभी इंतजाम। रोहिलखंड के प्रमुख भाजपा नेताओं से संघ प्रमुख की मुलाकात का फिलहाल कोई प्रोग्राम तय नहीं। प्रवास कार्यक्रम पर टिकी सबकी निगाहें। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर पहुंचे बरेली। बरेली के नवाबगंज इलाके में अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हैं श्रम मंत्री अनिल राजभर। मीडिया से बातचीत में बोले श्रम मंत्री, अटल आवासीय स्कूलों के जरिए मजदूरों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने जा रही यूपी सरकार। कानपुर में हुई माँ बेटी के जलने की घटना पर बोले श्रम मंत्री, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो या कोई और, कानपुर कांड के दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के पास है मुद्दों का काल, इसलिए गलत बोल रहे हैं विपक्ष के नेता। बरेली में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस आक्रामक अभियान जारी। 2 दिन में पुलिस ने किए 5 एनकाउंटर। बिथरी, हाफिजगंज और नवाबगंज के बाद अब इज्जतनगर और देवरनिया में गौ तस्कर गिरोहों के साथ पुलिस की मुठभेड़। कुख्यात गौ तस्कर दानिश कुरैसी और तस्लीम कलुओं को लगी पुलिस की गोली। दोनों को किया गया गिरफ्तार। कई तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में रहे सफल। तलाश में जुटी पुलिस टीमें कुछ ही दिनों में 120 से अधिक गौ तस्करों पर शिकंजा कस चुकी बरेली पुलिस। बरेली में इंस्टाग्राम पर धमकियों से परेशान युवती ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस अफसरों से मिलकर पीड़ित युवती ने सुनाई आप भी थी। तरह तरह के धमकी भरे मैसेज भेजकर किया जा रहा उसको परेशान। तमंचे लहराते युवकों के वीडियो भेजे जाने से आतंकित नजर आ रही युवती। बरेली में थाना मीरगंज की रहने वाली है पीड़िता। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने साइबर सेल को दिए मामले में कार्रवाई के निर्देश। बरेली में कल से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य। ऐसा न होने पर पहली बार में कटेगा 5,000 का चालान, दूसरी बार गलती पाए जाने पर चालान होगा 10,000 का। परिवहन मंत्रालय ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना किया जरूरी। बरेली में नियम की वजह से टेंशन में नजर आ रहे वाहन चालक। एक ही दिन में आरटीओ के पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए पहुंचे 570 आवेदन। बरेली जिले में है 7.25 लाख से अधिक छोटे और बड़े वाहन। आरटीओ अफसरों के मुताबिक जुर्माने से बचना है तो तुरंत करें सिक्योरिटी प्लेट के लिए आवेदन। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में धूमधाम से मनाया गया 48वां स्थापना दिवस समारोह। यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में की शिरकत। मंत्री ने स्टूडेंट को दिए पुरस्कार। बीएल वर्मा बोले, शिक्षण एवं शोध की दिशा में रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने स्थापित किए ऊंचे मानदंड। समारोह में कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह समेत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कर्मचारी और स्टूडेंट रहे मौजूद। बरेली में कुतुबखाना ओवरब्रिज निर्माण की वजह से जिला अस्पताल के रास्ते बंद होने के चलते 300 बेड अस्पताल में शिफ्ट की गई कई विभागों की ओपीडी। 300 बेड अस्पताल में नेत्र रोग ओपीडी भी कराई गई शुरू। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी मरीजों की जांच। हेल्थ अफसरों ने दी जानकारी। बरेली में गौ आधारित कार्य करने वालों को विशेष प्रोत्साहन देने में जुटा प्रशासन। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे किसानों का बढ़ाया हौसला। अफसरों ने किसानों को गौ आधारित कृषि के फायदे बताकर दूसरे किसानों को भी इसके लिए किया प्रेरित। ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही सब्जी की खेती। बरेली देहात में फल और गन्ना की फसलों को देखने पहुंचे डीएम व सीडीओ। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों का हर संभव सहयोग कर रही योगी सरकार। बरेली में ऑटो रिक्शा चालकों ने कलेक्ट्रेट पे किया प्रदर्शन। रेलवे जंक्शन पर वसूली से परेशान है ऑटो रिक्शा चालक। रेलवे पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पहुंचे ऑटो वाले। एसोसिएशन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। ऑटो रिक्शा चालक बोले कि रेलवे जंक्शन पर सवारी छोड़ने के दौरान ठेकेदार करते हैं अवैध वसूली। विरोध पर कई बार की जा चुकी है मारपीट।